नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आइए, इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला आंकिक प्रश्न दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि पराबैंगनी विकिरण व अवरक्त विकिरण के उपयोग को लिखिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पराबैंगनी विकिरण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, अगर हमारे शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता हो तो विटामिन डी के निर्माण के लिए पराबैंगनी विकिरण की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पर आप सूर्य देख रहे हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और जितनी भी किरणें निकलती हैं उसमें पराबैंगनी विकिरण भी होता है, पराबैंगनी तरंगें भी होती हैं। अभी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जब यही किरणें हमारे शरीर पर आपतित होती हैं यानी टकराती हैं, तो हमारे शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अब विटामिन डी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल होता है, मांसपेशियों की मजबूती के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन डी के निर्माण के लिए पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। अब पराबैंगनी विकिरण का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वह होता है त्वचा संबंधी समस्याओं में। देखिए, यहां पर आप एक मानव शरीर देख रहे हैं और मानव शरीर के पीठ पर यहां पर कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं। अब ये धब्बे क्या है? तो ये धब्बे यहां पर सोराइसिस के धब्बे हैं। देखिए, सोराइसिस एक रोग होता है। किस प्रकार का रोग होता है? तो देखिए, हमारे शरीर पर अनावश्यक कोशिकाएं जम जाती हैं और जो अनावश्यक कोशिकाएं होती हैं, इनके जमने से हमारे शरीर में खुजली होने लगती है। तो यहाँ पे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं यानी यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं। तो इसी निशान को हटाने के लिए पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। अब जब पराबैंगनी विकिरण यहाँ पर इन चकत्तों पर, इन धब्बों पर आपतित होंगे तो ये निशान हट जाएंगे और हमें सोराइसिस जैसी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, पराबैंगनी विकिरण का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वह होता है जीव जंतुओं को देखने में सहायता प्रदान करना। देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं या ऐसे कुछ कीट पतंगे पाई जाती हैं जिनको देखने में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप चिड़िया देख रहे हैं, चिड़िया जब उड़ती है तो उसे देखने की आवश्यकता होती है, तो पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से ही यह देख पाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर आप मक्खी देख रहे हैं, मक्खी पराबैंगनी विकिरण की सहायता से ही देख पाते हैं। कीट पतंगे कभी कभी लाही के पौधों पर, कभी कभी पुष्प के पौधों पर बैठते हैं। तो किस प्रकार से पुष्प को देखते हैं या लाही को देखते हैं? पराबैंगनी विकिरण की सहायता से वे देख सकते हैं कि लाही का पौधा कहाँ है या फूल का पौधा कहाँ है। तो इस प्रकार से हमारे आसपास कुछ जीव जंतु ऐसे भी पाए जाते हैं जो पराबैंगनी विकिरण की सहायता से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पराबैंगनी विकिरण का जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वह होता है संक्रमण से बचाव में। संक्रमण किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो देखिए, हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया या जिसे हम जीवाणु कहते हैं या विषाणु पाए जाते हैं और इन विषाणुओं से या जीवाणुओं से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अब अगर पराबैंगनी विकिरण का इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या जितने भी विषाणु होते हैं ये सारे विषाणु खत्म हो जाएंगे और संक्रमण से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो हमारे हमें कोई भी रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार से पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करके हम संक्रमण से बचाव पा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अवरक्त विकिरण का उपयोग कहाँ पर होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखिए, अवरक्त विकिरण का उपयोग पौध घरों में छोटे छोटे पौधों को गर्म करने में होता है। देखिए, पौधे जब छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें गर्म विकिरण की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। तो गर्मी हम कैसे उत्पन्न करते हैं? अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल करके हम उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं और इस प्रकार से वे बड़े हो जाते हैं। तो पौध घरों में छोटे छोटे पौधों को गर्म करने के लिए हम अवरक्त विकिरण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर युद्ध हो रहा हो और युद्ध में अगर कोहरा घिरा हो तो दुश्मन के सैन्य वाहन हमें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, तो दुश्मन के सैन्य वाहनों को देखने के लिए हम ऐसे डिवाइसेस का उपयोग करते हैं जिनसे अवरक्त विकिरण उत्पन्न होते हैं
और उन अवरक्त विकिरण की सहायता से हम दुश्मन के सैन्य वाहनों को आसानी से देख सकते हैं कि वे कितनी दूरी पर हैं, कितनी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा कोहरे के मौसम में चलने वाले जो वाहन होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, या जितने भी साधन होते हैं, वे हमें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, तो अवरक्त विकिरण की सहायता से हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अवरक्त विकिरण का और पराबैंगनी विकिरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती हैं। तो देखिए, जो अवरक्त तरंगे होती हैं इन्हें हम ऊष्मीय तरंगे भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें जल के अणु होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक पदार्थ देख रहे हैं और इसमें जल के आप छोटे छोटे अणु देख रहे हैं। अब इन अणुओं पर अगर अवरक्त तरंगे आपतित हो रही हो, यानी इनसे टकरा रही हो, तो यहाँ पर ये अणु क्या करेंगे? उष्मा को अवशोषित कर लेंगे, यानी यहाँ पर उष्मा उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। अब जब ये जल के अणु उष्मा उत्पन्न करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो पदार्थ होगा यह भी उष्मीय हो जाएगा, यानी ये भी गर्मी उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो पदार्थ के आसपास का जो माहौल होगा, जो वातावरण होगा, वह भी गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे गर्मी किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है? जब अवरक्त तरंगे इस पदार्थ पर टकरा रही हैं तो ये पदार्थ गर्मी उत्पन्न कर रहा है। तो इस कारण से हम अवरक्त तरंगों को उष्मीय तरंगे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उष्मा उत्पन्न करती हैं। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निर्वात में किसी बिंदु पर किसी समय वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए E अपॉन बी अनुपात की इकाई ओम होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E है वैद्युत क्षेत्र और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर हम E अपॉन बी की वैल्यू को ज्ञात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहां से इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट म्यू जीरो अपॉन एप्साइलन जीरो। म्यू जीरो क्या है? तो म्यू जीरो यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता है और एप्साइलन जीरो यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यहां पर देखिए, म्यू जीरो और एप्साइलन जीरो दोनों ही एक कॉन्स्टेंट मान है, एक नियतांक है, जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो यहां पर इस फार्मूले में इन दोनों की हम फिक्स वैल्यू को, यानी मान को पुट करेंगे, तो यहां से E अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए, म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, बटे में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए, बटे में एप्साइलन जीरो दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². और यहां पर इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो टर्म हमें प्राप्त हुआ है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से E अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 4π × 10⁻⁷। तो यहां पर हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 4 × 3.14 × 10⁻⁷। और यहां भी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, और बटे में यहां पर लिखा हुआ है 8.85 × 10⁻¹², और यहां पर इसका मात्रक लिखा हुआ है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ये जो टर्म प्राप्त हो रहा है इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। अब किस प्रकार से रीअरेंज करेंगे? तो यहां पर देखिए, यहां से वैल्यू हो जाएगी E अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 4 × 3.14, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 4 का जब हम 3.14 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.56, और यहां पर लिखा हुआ है गुणे में 10⁻⁷। इस वैल्यू को ऐसे ही हम उतार देंगे। अब बटे में क्या लिखा हुआ है? तो बटे में लिखा हुआ है 8.85 × 10⁻¹², इसे हम अंश में लेकर के जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁰। अब यहां पर जितने भी मात्रक दिए गए हैं इन मात्रकों को भी हम रीअरेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हर में दिया हुआ है, इसे हम अंश में लेकर के जाएंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या वैल्यू होगी? बटे में वैल्यू हो जाएगी एम्पियर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर। तो यहां पर हम एम्पियर स्क्वायर लिख देंगे और इंटू में कूलाम स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर E अपॉन बी का जो टर्म प्राप्त हुआ है इसे हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी E अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर देखिए 12.56 में हमें 8.85 से भाग देना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहां से हमें मान प्राप्त हो जाएगा 1.419 इंटू,
10 रेज पावर माइनस 7 इंटू 10 रेज पावर 12, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 10 रेज पावर 5 और यहां पे वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट। देखिए यहां पे मात्रक लिखा हुआ है तो इन मात्रकों की वैल्यू को ऐसे उतार देंगे, न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से E अपॉन V की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन V इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 1.419 इंटू 10 रेज पावर 5 लिखा हुआ है तो यहां पर इस दशमलव को हटा देंगे और इस संख्या के आगे दो जीरो हम बढ़ा देंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1419 और इसके आगे हम दो जीरो बढ़ा देंगे और यहां पर वैल्यू हो जाएगी न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर बटे में हम लिख देंगे एम्पियर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर अंडर रूट में वैल्यू दी गई है 141,900, तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहां से E अपॉन B की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन B इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 141,900 का जो वर्गमूल होता है इसकी वैल्यू होती है 376.69। अब यहां पर देखिए, यहां पर मात्रक दिया गया है और ये भी अंडर रूट में लिखा हुआ है तो इसे हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर बटे एम्पियर इंटू कूलाम। देखिए यहां पर ये सारे स्क्वायर में दिए गए हैं, बाहर लाएंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये यहां पर E अपॉन B की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, अभी हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है, प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो E अपॉन B की वैल्यू का जो अनुपात होगा, इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसकी वैल्यू हमने कहां से कैलकुलेट की थी? तो देखिए, इसकी वैल्यू हमने ओम के नियम की सहायता से कैलकुलेट किया था। ओम ने क्या नियम दिया था? ओम ने जो नियम दिया था उसके अनुसार जो फार्मूला था वह था V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहां पर देखिए, R की वैल्यू कितनी होगी? तो R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब यहां पर V क्या है? तो V यहां पर विभवांतर है तो यहां पर V के स्थान पर हम विभवांतर लिख देंगे और I यहां पर बहने वाली विद्युत धारा है तो यहां पर हम धारा लिख देंगे। अब इन दोनों के मात्रक को हम पुट करेंगे। देखिए, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट तो यहां पर हम वोल्ट पुट कर देंगे और धारा का मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर तो यहां पर हम एम्पियर पुट कर देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये हो जाएगा आर का मात्रक। अब यहां पर देखिए, विभवांतर का एक और मात्रक होता है, कौन सा होता है? तो विभवांतर का जो एक और मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति कूलाम तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे जूल प्रति कूलाम और यहां पर एम्पियर से गुणा किया गया है तो यहां पर हम एम्पियर को ऐसे ही उतार देंगे और ये यहां पर R का मात्रक हो जाएगा यानी प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। अब यहां पर हम थोड़ा सा और परिवर्तन करेंगे। अब किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जूल लिखा हुआ है, जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल होता है कार्य का मात्रक तो यहां पर हम कार्य की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए, कार्य की वैल्यू कितनी होती है? तो कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं और W की वैल्यू होती है W इज इक्वल टू F इंटू D। F क्या है? बल है और D है बल की दिशा में विस्थापन, यानी कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और यहां पर D लिखा गया है, D का मात्रक होता है विस्थापन और इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहां पर मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हम कार्य के स्थान पर यानी जूल के स्थान पर न्यूटन गुणे मीटर लिख देंगे तो यहां से जो R का मात्रक है वह थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा तो यहां से जो R की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर बटे में हम लिख देंगे एम्पियर इंटू कूलाम। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप यही देख रहे हैं कि जो R का मात्रक है यानी जो प्रतिरोध का मात्रक है और E अपॉन B का मात्रक है, दोनों के मात्रक यहां पर समान है। तो इस प्रकार से यहां पर यह सिद्ध हो गया कि E अपॉन B का जो इकाई होगा यानी जो मात्रक होगा वह R के मात्रक के समान होगा यानी इसे हम ओम लिख सकते हैं क्योंकि R का मात्रक ओम होता है। तो इस प्रकार से E अपॉन B का मात्रक भी ओम हो जाएगा। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए जिनकी आवृत्ति का मान 6×10^12 Hz। और यहां पर हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म तरंगों के दो उपयोग बताइए। तो यहां पर देखिए कि यहां पे क्या पूछा जा रहा है, तो यहां पर हमें ये पूछा जा रहा है कि जो तरंग है इस तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना है यानी लैम्डा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पर दी क्या दी गई है, तो यहां पर जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति को हम न्यू से व्यक्त करते हैं और इसकी वैल्यू यहां पर दी गई है 6×10^12 Hz और इस वैल्यू को यहां पर हम नोट कर लेंगे।
अब यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसके लिए फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां सी क्या है, सी यहां पर प्रकाश की चाल है, न्यू यहां पर तरंग की आवृत्ति है, और लैम्डा यहां पर तरंग दैर्ध्य है। अब यहां पर देखिए, यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, और इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए सी कितनी वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बटे न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मान हो जाएगा 6×10⁻¹ हर्ट्ज। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है 3/6, ऐसे ऐसे उतार देंगे, और गुणे में लिखा हुआ है 10⁸, इसे भी ऐसे उतार देंगे, और हर में लिखा हुआ है 10⁻¹। इस वैल्यू को हम अंश में लेकर के जाएंगे, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 10⁻¹। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर 3 में हमें 6 से भाग देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5, और यहां पर देखिए 10⁸ × 10⁻¹, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻¹, और ये यहां पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अब इस टर्म को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, देखिए यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर दशमलव को हम हटा देंगे, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 5×10⁵, और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए लैम्डा का मात्रक यहां पर मीटर प्राप्त हो जाएगा, तो आप मात्रक लिखना मत भूलिएगा, अन्यथा आपका आंकिक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने दी गए वैद्युत चुंबकीय तरंग के तरंगदैर्ध्य को कैलकुलेट कर लिया, और इसके तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है 5×10⁵ मीटर। लेकिन अभी हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है। प्रश्न के सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म तरंगों की दो उपयोगिताएं बताइए। तो अब इसकी उपयोगिताओं को हम जानेंगे, यानी सूक्ष्म तरंग की क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं, इसे हम जानेंगे। तो यहां पर देखिए, वायुयान के संचालन में सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। देखिए यहां पर जो रडार सिस्टम लगा होता है, रडार सिस्टम में हम रेडियो तरंगों को प्रेषित करते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाती है रेडियो तरंगे। अब जो भी विमान होता है उन विमान से रेडियो तरंगे टकराती हैं, लेकिन जो रडार सिस्टम होता है उस रडार सिस्टम में रेडियो तरंगों के साथ साथ सूक्ष्म तरंगें भी बाहर निकलती हैं, और इस प्रकार से हम आसमान में उड़ने वाले विमान को नेविगेट कर सकते हैं या जान सकते हैं कि विमान कहां पर उड़ रहे हैं। इसके पश्चात सूक्ष्म तरंगों का जो दूसरा उपयोग होता है वह होता है रडार सिस्टम में या संचार सिस्टम में। अब यहां पर देखिए, आप एक रडार देख रहे हैं, रडार से रेडियो तरंगें बाहर निकलती हैं जो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। अब आसमान में अगर कोई भी विमान उड़ रहा होगा तो रेडियो तरंगों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वह विमान कहां पर है, किस दिशा में आ रहा है, कितनी ऊंचाई पर है, कितना नीचे है, इन सभी गतिविधियों को हम जान सकते हैं। तो रडार में या संचार व्यवस्था में हम सूक्ष्म तरंगों का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म तरंगें हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2×10⁻¹ हर्ट्ज की आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। यहां पर कहा जा रहा है कि इसका आयाम 48 वोल्ट प्रति मीटर है। अब यहां पर देखिए, प्रश्न में दो पार्ट दिए गए हैं, तो पहले पार्ट में हमें यह ज्ञात करना है कि दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा, दूसरे पार्ट में औसत वैद्युत ऊर्जा के घनत्व की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के पहले पार्ट को हल करेंगे, यानी यहां पर यह ज्ञात करेंगे कि दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो देखिए, आयाम के लिए फार्मूला होता है B0 इज इक्वल टू E0 अपॉन C। यहां पर E0 क्या है, तो E0 यहां पर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, B0 यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, और C यहां पर प्रकाश की चाल है। अब इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे, तो E0 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर E0 की वैल्यू लिखी हुई है 48 वोल्ट प्रति मीटर, तो E0 के स्थान पर हम 48 पुट कर देंगे। और C की वैल्यू कितनी है, तो C है प्रकाश का चाल, और इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए 3 से हम 48 में भाग देंगे, तो इसकी वैल्यू यहां पर 16 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, यहां से B0 की वैल्यू हो जाएगी 16×10⁻¹। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो टर्म हमें प्राप्त हुआ है इसे हम थोड़ा सा परिवर्तित भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, तो एक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो यहां से B0 की वैल्यू हो जाएगी 1.6×10⁻¹⁷, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के पहले पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम प्रश्न के दूसरे पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व की वैल्यू कितनी होगी।
तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 इनटू E स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 क्या है? तो एप्सिलॉन 0 यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता है और E यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर देखिए इस फार्मूले को हम थोड़ा सा परिवर्तित भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए यहां पर E यानी वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र यानी E की वैल्यू होती है E0/√2। E0 क्या है? तो E0 यहां पर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और इसी फार्मूले की सहायता से हम यहां पर इस पूरी वैल्यू को परिवर्तित कर देंगे। तो यहां पर देखिए यहां से UE यानी औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 और E स्क्वायर के स्थान पर हम लिख देंगे E0/√2 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी E0 का स्क्वायर 2। अब यहां पर देखिए यहां पर एक हमें नया फार्मूला मिल गया और इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/2। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका मान हो जाएगा 8.85 इंटू 10^-12। अब यहां पर देखिए E0 की वैल्यू कितनी है? तो E0 यहां पर वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और इसकी वैल्यू दी गई है 48 वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां पर हम 48 पुट कर देंगे और इसका हम वर्ग कर देंगे और बटे में हम यहां पर लिख देंगे 2। अब यहां पर देखिए यहां पर इस टर्म को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहां पर 1/2 × 1/2, यहां पे वैल्यू हो जाएगी 1/4 × 8.85 लिखा हुआ, इसे हम ऐसे ही उतार देंगे, × 10^-12, इसे भी ऐसे ही उतार देंगे और यहां पर 48 × 48 कर देंगे। तो इस प्रकार से यहां पर ये वैल्यू परिवर्तित हो जाएगी। अब यहां पर देखिए 4 से हम यहां पर 48 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू यहां पर 12 प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर ये जो टर्म प्राप्त हुआ है इसे एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, देखिए यहां पर 8.85 × 12 × 48 किया गया है, तो इन तीनों का जब हम गुणनफल प्राप्त करेंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 5097.6 और यहां पर हम 10^-12 से गुणा कर देंगे और ये यहां पर UE की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर देखिए यहां पर जो टर्म हमें प्राप्त हुआ है इसे हम एक बार फिर से परिवर्तित करेंगे। देखिए यहां पर दशमलव को हम 5 के बाद लगा देंगे तो यहां से UE की वैल्यू हो जाएगी UE = 5.097 और यहां पर हम 10^-12 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है 5.097 तो इसकी वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से चेंज होगी, तो यहां से UE की वैल्यू हो जाएगी UE = 5.1 × 10^-12 हो जाएगा और इसका मात्रक क्या होगा? तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा J/m³। तो इस प्रकार से यहां पर हम मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। तो यहां पर हमने प्रश्न के दूसरे पार्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है BY = 8×10^-6 × sin। यहां पर कोष्ठक में वैल्यू दी गई है 2×10^11 + 300 πx × t, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस प्रश्न में दो पार्ट दिए गए हैं और पहले पार्ट में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कीजिए और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब लैम्डा की वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहां पर एक समीकरण दिया गया है तो सबसे पहले इस समीकरण को हम नोट करेंगे। तो समीकरण हो जाएगा BY = 8×10^-6 × sin और कोष्ठक में वैल्यू दी गई है 2×10^11 + 300 πx और यहां पर कोष्ठक के बाहर t लिखा है, इसे हम उतार देंगे। अब ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण की हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। अब मानक समीकरण कौन सा होता है? तो मानक समीकरण की वैल्यू हो जाएगी BY = यहां से वैल्यू हो जाएगी B0 sin और कोष्ठक में वैल्यू हो जाएगी ωt + kx और यहां पर कोष्ठक के बाहर हम t लिख देंगे और इस नीचे वाले समीकरण से हम ऊपर वाले समीकरण की तुलना करेंगे। अब यहां पर देखिए यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम यहां पर k की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो k की वैल्यू कितनी है? देखिए यहां पर k की वैल्यू दी गई है 300 π और इसे लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहां पर देखिए लैम्डा की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है तो इसी की सहायता से हम लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो देखिए k की वैल्यू होती है K = 2π/λ तो यहां से k के स्थान पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 300 π और इसका मान 2π/λ के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो 1π से 1π कैंसिल हो जाएगा
और यहां पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 2/300। अब यहां पर देखिए 2 से हमें 300 में भाग देना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 150, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/150। अब यहां पर देखिए 1 में हमें 150 से भाग देना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर देखिए जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 0.0067 और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के पहले पार्ट को हल कर लिया यानी लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए यहां पर हम प्रश्न के अगले पार्ट को हल करेंगे यानी दोलित वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए दोलित वैद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक होता है इसकी वैल्यू होती है ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो इंटू साइन और कोष्ठक में वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी प्लस के एक्स और इसी फार्मूले में यानी इसी व्यंजक की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर देखिए इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ई जीरो की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए ई जीरो की वैल्यू हो जाएगी ई जीरो इज इक्वल टू सी इंटू बी जीरो। अब बी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो बी जीरो की वैल्यू को हम यहां पर इन दोनों व्यंजक की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो बी जीरो की वैल्यू यहां पर दी गई है और सी क्या है, सी यहां पर प्रकाश की चाल है। अब यहां पर देखिए दोनों वैल्यूज हमें मालूम है, प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 और बी जीरो की वैल्यू यहां से हम लिखेंगे यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8×10^-6। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए 3 का हम 8 में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू यहां पर 24 हो जाएगी और यहां पर वैल्यू दिया गया है 10^8×10^-6 इसकी वैल्यू हो जाएगी 10^2। अब यहां पर देखिए यहां से ई जीरो की वैल्यू हो जाएगी ई जीरो इज इक्वल टू 2400 और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार से यहां पर हमने ई जीरो की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए हमें ओमेगा की वैल्यू को ज्ञात करना है तो ओमेगा का मान यहां पर दिया गया है यानी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2×10^11। अब यहां पर देखिए यहां पर अभी हमें के की वैल्यू को ज्ञात करना है तो k की वैल्यू को हम यहां से ज्ञात करेंगे। देखिए इसकी तुलना जब हम करेंगे तो k के स्थान पर 300 पाई की वैल्यू लिखी गई है तो यहां से k की वैल्यू हो जाएगी 300 पाई। अब यहां पर ये सभी वैल्यूज मिल गए और सभी वैल्यूज को हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, तो चलिए पुट करते हैं। तो यहां पर देखिए यहां से ई जेड की वैल्यू हो जाएगी ई जेड इज इक्वल टू ई जीरो, ई जीरो की वैल्यू कितनी है, इसका मान दिया गया है 2400 वोल्ट प्रति मीटर, तो यहां पर हम 2400 लिख देंगे इंटू साइन लिखा गया है, इस वैल्यू को उतार देंगे और कोष्ठक के अंदर ओमेगा टी प्लस के एक्स की वैल्यू दी गई है। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो इसका मान दिया गया है 2×10^11 यहां पर इसे पुट कर देंगे इंटू टी प्लस के की वैल्यू कितनी है, तो इसका मान दिया गया है 300 पाई, यहां पर 300 पाई लिख देंगे और यहां पर हम एक्स से गुणा कर देंगे और ये यहां पर ई जेड की वैल्यू हो जाएगी यानी दोलित वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक की वैल्यू हो जाएगी और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका मात्रक यहां पर वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर मात्रक लिखना मत भूलिएगा अन्यथा आपका आंकिक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई जीरो की वैल्यू दी गई है 120 न्यूटन प्रति कूलाम और इसकी आवृत्ति दी गई है न्यू इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। अब इस प्रश्न में दो पार्ट दिए गए हैं, पहले पार्ट में बी जीरो ओमेगा के तथा लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करना है और सेकंड पार्ट में हमें ई तथा बी के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब पहले पार्ट में सबसे पहले हमें बी जीरो की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब बी जीरो क्या है, तो देखिए बी जीरो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है और इसी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C। यहां पर C क्या है, C यहां पर प्रकाश की चाल है और E0 क्या है, तो देखिए E0 यहां पर विद्युत क्षेत्र का आयाम है। अब यहां पर इस फार्मूले में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो यहां से देखिए यहां से B0 की वैल्यू हो जाएगी B0 इज इक्वल टू E0 अपॉन C और इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए E0 की वैल्यू यहां दी गई है 120 न्यूटन प्रति कूलाम, इस वैल्यू को लिख देंगे और C की वैल्यू होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहां पर देखिए 3 से हम 120 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 और यहां पर 10^8 हर में लिखा हुआ है इसे हम अंश में लेकर के जाएंगे तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 4×10×10^-8।
अब यहां से देखिए, यहां से बी जीरो की वैल्यू हो जाएगी 4×10^-7, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने बी जीरो यानी चुंबकीय क्षेत्र के आयाम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर पहले पार्ट में ओमेगा की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है। अब ओमेगा क्या है, तो यहां पर देखिए ओमेगा यहां पर कोणीय वेग है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2π(ν)। न्यू क्या है, न्यू यहां पर आवृत्ति है और इसकी वैल्यू यहां पर दी गई है। अब इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 2×π की वैल्यू होती है 3.14, इस वैल्यू को उतार देंगे, और न्यू की वैल्यू यहां पर दी गई है 50 MHz। अब यहां पर देखिए मेगा हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में परिवर्तित करेंगे, तो यहां पर हम 10^6 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगी ओमेगा की वैल्यू। अब यहां पर ये जो वैल्यूज प्राप्त हुई हैं, इन सभी का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए 3.14 को हम एज इट इज उतार देंगे और 2 का हम 50 में गुणा करेंगे, तो इसकी वैल्यू यहां पर 100 प्राप्त हो जाएगी, और यहां पर गुणा किया गया है 10^6 से, इसे हम गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस वैल्यू को फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 3.14 × यहां पर वैल्यू हो जाएगी 100 का वैल्यू लिख देंगे 10^2, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी 10^6, और ये यहां पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर इसे थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3.14×10^8, और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से यहां पर हम मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, अन्यथा हमारा आंकिक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने ओमेगा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम अगले पार्ट को हल करेंगे, और अगले पार्ट में हमें के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। के यहां पर क्या है, तो के यहां पर तरंग संख्या है। अब यहां पर देखिए, तरंग संख्या के लिए फार्मूला होता है के इज इक्वल टू ω/c, और इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए ओमेगा की वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट किया है 3.14×10^8, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 3.14×10^8, और बटे में हम सी की वैल्यू लिखेंगे। सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है, और इसकी वैल्यू होती है 3×10^8। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 10^8 और 10^8 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पर 3.14 में हमें 3 से भाग देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.05, और ये यहां पर के की वैल्यू मिल जाएगी, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर हो जाएगा प्रति मीटर। तो इस प्रकार से यहां पर हमने तरंग संख्या यानी के की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम अगले पार्ट को हल करेंगे, यानी लैम्डा की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। लैम्डा क्या है, लैम्डा यहां पर तरंग दैर्ध्य है। अब इसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू c/ν, और इसी फार्मूले की सहायता से हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब c की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू होती है 3×10^8, और न्यू की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू दी गई है 50 MHz, लेकिन इसे हम हर्ट्ज में लिखेंगे, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 50×10^6। अब यहां पर देखिए, यहां से वैल्यू हो जाएगी 3/5×10^8, और बटे में हम लिख देंगे 10^7। अब यहां पर इसे थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, तो यहां पर देखिए 5 से हमें 3 में भाग देना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6। अब यहां पर देखिए 10^8 लिखा हुआ, इसे उतार देंगे, और 10^7 लिखा हुआ है, इसे हम अंश में लेकर के जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10^-7। अब यहां पर जो टर्म प्राप्त हो रहा है, इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 6 m। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम प्रश्न के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, और यहां पर पूछा जा रहा है कि ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ई यहां पर विद्युत क्षेत्र है और बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम यहां पर ई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक को प्राप्त करेंगे। अब यहां पर देखिए, ई के लिए व्यंजक क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है वेक्टर ई इज इक्वल टू E0 sin, और यहां पर कोष्ठक में वैल्यू हो जाती है kx-ωt, और इसी फार्मूले की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक को प्राप्त करेंगे। अब यहां पर देखिए, E0 की वैल्यू दी गई है 120 N/c, k की वैल्यू यहां पर दी गई है 1.05 m², और ओमेगा की वैल्यू दी गई है 3.14×10^8 rads/s, और इन सभी वैल्यूज को इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो यहां से वेक्टर ई की वैल्यू हो जाएगी, वेक्टर ई इज इक्वल टू E0, इसका मान हो जाएगा 120, यहां पर हम साइन लिख देंगे,
और कोष्ठक में हम के एक्स, के की वैल्यू है 1.05 और इसमें हम एक्स से गुणा कर देंगे, माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई है 3.14 और यहां पर गुणा कर देंगे 10^8 से और इसमें हम टी से गुणा कर देंगे। तो ये यहां पर ई के लिए फार्मूला हो जाएगा, यानी व्यंजक हो जाएगा। ई यहां पर विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से यहां पर हम मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे, अन्यथा हमारा ये व्यंजक गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने ई के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब यहां पर हम बी के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या फार्मूला होगा, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू बी जीरो इंटू साइन, और यहां पे वैल्यू हो जाएगी के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहां पर सभी वैल्यूज को इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए बी जीरो की वैल्यू को हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, इसका मान था 4×10^-7, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इंटू साइन, और कोष्ठक में के एक्स, के की जगह पर हम पुट कर देंगे 1.05 इंटू एक्स माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 3.14×10^8 और इसमें हम टी से गुणा कर देंगे। तो ये यहां पर वेक्टर बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की वैल्यू हो जाएगी, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर टेस्ला प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमने प्रश्न के सेकंड पार्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि मुक्त आकाश में 5×10^19 प्रति सेकंड आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य को कैलकुलेट करना है, यानी यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। तो यहां पर आवृत्ति की वैल्यू दी गई है और इसका मान हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू 5×10^19 प्रति सेकंड, और इस वैल्यू को यहां पर हम नोट कर लेंगे। अब यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब इस फार्मूले में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो यहां से लैम्डा के लिए फार्मूला हो जाएगा सी अपॉन न्यू। अब इसी फार्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो चलिए पुट करते हैं। तो यहां पर देखिए सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है और इसका मान होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, और बटे में हम न्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे और इसका मान ऑलरेडी दिया गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5×10^19 प्रति सेकंड। अब इस वैल्यू में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो यहां पर देखिए 3 में हमें 5 से भाग देना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6, यहां पे गुणा किया गया है 10^8 से गुणा कर देंगे, और हर में दिया गया है 10^19, इसे हम अंश में लेकर के जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10^-19 और ये यहां पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर जो टर्म प्राप्त हुआ है इसे हम थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0.6×10^-11 और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक यहां पर मीटर प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां से ये जो टर्म प्राप्त हुआ है इसे हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए वैल्यू दिया गया है लैम्डा इज इक्वल टू 0.6, अब यहां से लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0.06। अब यहां पर हमने 0.06 लिखा है तो 10^ वाला टर्म चेंज हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 10^-10 और इसका मात्रक यहां पर मीटर प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 10^-10 मीटर लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0.06 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से यहां पर हमने तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया।